जिसका लक्ष्य ही ये बन गया कि मुझे धनवान बनना है, तो फिर वो व्यक्ति कोड़ी कोड़ी बचाएगा ना, खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे इतने समय में करोड़पति बनना है। तो अब वो एक एक पैसा अपना देख देख करके खर्च करता है, ऐसे बहाता नहीं है पानी की तरह। और जिस व्यक्ति को ये है कि जी खूब कमाना है, पर कितना बनना है, करोड़पति बनना है कि अरबपति बनना है, वो लक्ष्य नहीं है, तो इसलिए वो 4-6 महीने कमाता है खूब ज़्यादा, और खूब ज़्यादा उसके पास आता भी है ऐश्वर्य, लेकिन फिर 8 दिन में उसको उड़ा भी आता है, कहीं विदेश की यात्रा बनाता है, कहीं कुछ और बनाता है, फिर उसको 8-10 दिन में खर्च करके आके खाली हो करके फिर दोबारा उसी प्रचंड उससे लगता है। सारी जो पश्चिम की सभ्यता है वो उसी पे तो टिकी हुई है, वो लोग 8 दिन का जो सप्ताह है उसमें 6 दिन बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ की तरह से नहीं है कि वो 4 बजे टाइम देखने लग जाएं कि 5 बजे तो छुट्टी होने वाली है, तो 4 बजे उठ करके थोड़ा सा घूम के आएंगे, वॉशरूम जाएंगे, फिर थोड़ा सा एक बार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो 1 घंटा ऐसे ही बिताते हैं, उसमें कोई काम नहीं करते हैं वो। आप भी करते हैं ऐसे? कभी मेरे को प्रवास पे जाना हो तो बोले चलो अब पता तो लग ही गया दीदी का, 10 दिन तो अब दीदी आने वाली नहीं है, तो अब 8 दिन तो रखो इसको अलमारी में, 9वें दिन देखेंगे कि अभी कल पाठ है तो कहाँ चल रहा था, क्या पढ़ना है। वो लोग ऐसे नहीं करते, मतलब वो या तो किसी को प्रणाम करेंगे नहीं, करेंगे तो हृदय से करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है उस व्यक्ति के पैर भी छूते हैं और उस व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा भी हम रखते हैं, दोनों काम साथ साथ करते हैं। जब सब देखेंगे तो उनके पैर छू लेंगे, साष्टांग प्रणाम भी कर देंगे, लेकिन हृदय में अत्यंत अश्रद्धा भी रखेंगे और ना कहना मानेंगे उस व्यक्ति का, जैसा वो कह रहा है ना वैसा नहीं सुनेंगे हम। वो ऐसा नहीं करते, उनको एक बात समझ में आ गई यदि प्रणाम करना मेरे लिए बेनिफिशियल है तो वो पूरे अस्तित्व से प्रणाम करेंगे, नहीं तो वो प्रणाम करेंगे ही नहीं, वो हाय करेंगे, बाय करेंगे, नमस्ते करेंगे, वो नहीं झुकेंगे। झुक गए तो फिर पूरा अस्तित्व झुकेगा। जब वो काम करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि उनका बॉस उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है, उनको ये काम करना है तो उसको एक परिणाम तक पहुंचाते हैं, वो बड़ी मेहनत से करते हैं फिर। लेकिन जो वीकेंड है शनिवार को, फिर वो जाएंगे और 6 दिन में जो भी कमाया था वो सब 2 दिन में खर्च करके फिर मंडे को आएंगे, वो अपनी ड्यूटी पे आएंगे, फिर उतना ही कमाएंगे, तो उससे फिर ऑल ओवर जीवन का कोई परिणाम नहीं आता है, कोई बड़ा परिणाम नहीं आएगा। तो ये जो है, जो ये सौम्य मुख बताया, ये ऐसी जो आत्माएं हैं, महान आत्माएं, इनको इसीलिए महान आत्मा कहते हैं कि वो फिर एक नैरंतर्य में उस चीज को अर्जित करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य वही है ना, तो वो ना समय को वेस्ट करते हैं, ना अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, शक्तियों को भी बचा के रखते हैं वो, और समय को भी बचा के रखते हैं कि भाई ये जीवन का एक एक पल अनमोल है, खजाना। किसी ने इसकी अनुभूति की तभी तो उसने इसको शब्दों में अभिव्यक्त किया, तो किसी ऋषि ने पहले फील किया ऐसे कि एक एक पल हमारे जीवन का अनमोल खजाने जैसे है, क्योंकि एक पल का निर्णय व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिरा सकता है, इतने दिन साधना की और एक पल कोई ऐसा निर्णय लिया कि वो सारा खत्म, और एक पल का निर्णय उस व्यक्ति को बहुत ऊंची छलांग लगवा सकता है। एक मोड़ पे खड़ा था और पता लगा कि ये शुभ की तरफ जा रहा है मार्ग, ये अशुभ की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं जाना है इस पे, इच्छा भी थी उधर जाने की, लेकिन एक पल में ये निर्णय हुआ कि नहीं जाना नहीं है इधर, तो इस एक पल ने इस व्यक्ति को फिर ऐसे शुभ मार्ग पे चला दिया कि जीवन की तौर तरीके ही बदल गए, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल गया, इस एक पल के निर्णय इस व्यक्ति को पूजनीय बना दिया, एक पल के निर्णय ने व्यक्ति को निंदनीय बना दिया। तो ये जो लोग हैं ये एक पल, एक एक पल का हिसाब रखते हैं, और फिर उस नैरंतर्य का परिणाम होता है ये सौम्यता।
वो सौम्यता कहीं कोई क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर उससे नहीं मिलने की, वो कभी भी नहीं मिल सकती है, तो वो उसका परिणाम है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन चल रहा है अभी उपनिषदों में। नै वै देव अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। इस अमृत को देख करके ही वो तृप्त रहते हैं, उनको लगता है कि जीवन की धन्यता इसी में ही है, हम जो अर्जित कर रहे हैं ये ही वास्तव में स्थायी संपत्ति है। ते एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति। इसी रूप को देख करके माने इसी योगियों के जीवन की स्थिति को देख करके वे एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति। इस मरुत ब्रह्मचारी के जीवन का क्या परिणाम होता है उसको देख करके वो उस जीवन में प्रवेश करते हैं कि मुझे तो हनुमान जी जैसे बनना है, ऐसा किसी का लक्ष्य है तो फिर वो उसी जीवन को अपनाते हैं, हनुमान जी जैसे जीवन को अपनाते हैं। एतस्मात् और इसी अपने निर्णय से और इसी साधना से एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति, इस रूप को लेकर के ही इस रूप से ही फिर वो जीवन में ऊपर उठते हैं। स ये एतद एवं अमृतम वेद मरुताम एव एको भूत्वा सोमेन एव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। तो जो व्यक्ति स यह वह जो एतदेव अमृतम वेद इस अमृत को जो जानता है, मरुताम एव एको भूत्वा वो मरुतों में ही एक होकर के मरुत गणों में ही एक होकर के सोमेन एव मुखेन एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। तो वो सोमेन एव मुखेन अपने इस सोम मुख से ही सौम्य मुख से ही इस सौम्य स्थिति से ही एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति इस अमृत को देख करके वो तृप्त रहता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपात् उदेति और इसमें प्रवेश कर जाता है, उसको जीना शुरू कर देता है और जब जीना शुरू करता है तो वो उससे ऊपर उठ जाता है। फिर उसी साधना से कब तक रहेगा इस स्थिति में, एक बार मरुत ब्रह्मचारी बन गया तो। स यावत् आदित्य पश्चात उदेता पुरस्तात अस्तम एता द्विस्तावत उत्तरतः उदेता दक्षिणतः अस्तम एता मरुताम एव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। जब तक ये सूर्य पश्चिम में उदय हो और पूर्व में अस्त हो और उससे भी दुगना उत्तर से उदय हो दक्षिण में अस्त हो, तब तक के काल के लिए वो मरुताम एव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। तब तक वो इन मरुतों के स्वराज्य में इनके आधिपत्य में रहता है, इनके शासन में। तो ये चार अमृत हो गए। पांचवा अमृत क्या था? अन्नाद्यम भोक्ता यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम। अथ यत् पंचमम अमृतम तत् साध्या उपजीवंती। तो वहां भी पांच ही अमृत निकाले थे ना सूर्य से, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ऊपर की दिशा, नीचे वाली नहीं ली थी। ऐसे ही यहाँ भी पांच ही लेंगे। तो अथ यत् पंचमम अमृतम जो पांचवा अमृत वो बताया था अन्नाद्य वाला, तत् साध्या उपजीवंती ब्रह्मणा मुखेन न वै देव अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो कह रहे जो इस पांचवें अमृत का पान करता है, मरुत से भी आगे जो पांचवें अमृत का पान करता है वो क्या है? ब्रह्मणा मुखेन, ब्रह्म मुख, सौम्य मुख से भी अगला क्या हो गया? ब्रह्म मुख, साक्षात ब्रह्म ही है ये। और वैसे यज्ञ में देखते हैं तो ब्रह्म क्या होता है? चारों वेदों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञान जिसके जीवन के अंग प्रत्यंग से अभिव्यक्त हो रहा है वो ब्रह्मचारी ब्रह्म मुख कहा जाएगा। और उनको क्या कहेंगे? साध्य, माने वो स्थिति क्या होती है?
साध्य है, वो सिद्ध करने योग्य है, अभी सिद्ध है नहीं वो, तो उसको कहा तत्साध्या उपजीवंती। जिनको हम साध्य कोटि के समझते हैं ना, एक तो सिद्ध कोटि के हो गए और एक है साध्य, जिसको साधना है अभी। अब ब्रह्म को तो प्राप्त करना है ना अभी, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ना कि मैंने पा लिया। पा लेने के बाद भी वो बचा हुआ होता है ना, साध्य है ना, ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनंत है। तो जितना भी आप पालेंगे तो भी वो उतना ही और ज्यादा साध्य बचा रहेगा, पूर्ण रूप से आप सिद्ध नहीं कर सकते उसको। साध्या उपजीवंती ब्रह्मणा मुखेन, तो ना देव खाने पीने के शौकीन होते हैं बल्कि उस स्थिति को देख करके ही वो तृप्त रहते हैं। ऐसा भी इस मनुष्य जीवन में बना जा सकता है। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति, तो इसलिए ऐसा सोच करके वो उसी रूप में अभिसंविशन्ति प्रवेश करते हैं कि मुझे इससे भी आगे जाना है, और उस रूप से ही वो, इस संकल्प से ही वो उद्यन्ति जीवन में ऊपर उठ जाते हैं। तो सह यह एतदेव अमृतम वेद साध्यानाम एव एको भूत्वा ब्रह्मणा एव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति। तो जो इस अमृत के बारे में जानता है, अन्नाद्य माने उपभोक्ता, अब उसको जिसकी साधना पूरी हो गई, मतलब जो मरुत से भी ऊपर, ब्रह्मचारी की स्थिति से भी जो ऊपर उठ गया, तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या बन जाता है, फिर अन्नाद्य बन जाता है, वो ब्रह्ममुख बन जाता है। सबसे बड़ा अन्नाद्य कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब सारी सृष्टि का मालिक जो ईश्वर है, तो वही तो सबसे बड़ा भोक्ता है। उसके लिए सारा संसार भोग्य हो सकता है, बाकी सब मनुष्यों के लिए ये सारा संसार क्या है? भोक्ता है। हम भोगों को नहीं भोग रहे, संसार को हम नहीं भोग रहे, संसार हमें भोग रहा है। तो वास्तव में हम भोग्य बने हुए हैं और दूसरे विषय जो वो हमारे भोक्ता बने हुए हैं। हम जिसके वश में होते हैं तो वो हमारा भोक्ता हो गया ना, हम भोग्य हैं उसके। तो हम सारे दोषों के, संसार मतलब दोष, तो उन दोषों के हम भोग्य बने हुए हैं और वो हमारे भोक्ता बने हुए हैं, वो भोग रहे हैं हमारे को। और ये उल्टा होता है, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, फिर आदित्य ब्रह्मचारी, फिर मरुत ब्रह्मचारी, और फिर सबसे लास्ट में ब्रह्म ब्रह्मचारी, ब्रह्ममुख। तो वो सबसे बड़ा भोक्ता है संसार का। अब संसार से वो खेल रहा है वो व्यक्ति, जैसे खिलौने से खेलता है ना व्यक्ति, तो खिलौना उसके वश में है, जैसे वो चाहे वैसे उससे खेल सकता है। ऐसे संसार की वस्तुओं से अब ये जो साध्य कोटि का जो ब्रह्मचारी है, ये फिर सच्चा उपभोक्ता बन जाता है संसार का। संसार उसको नहीं भोगता, वो संसार को जिस ढंग से चाहे उसको वहां लगा सकता है। सारा धन, ऐश्वर्य, विषय, मनुष्य, हर प्रकार की संपत्ति उसके चरणों में होती है और वो उसका जहां जहां चाहे वैसा वैसा उसका सदुपयोग करता है। फिर वो भोक्ता बन करके जीता है, भोग्य बन के नहीं जीता है। तो स यावत आदित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतः अस्तम एता द्विस्तावत ऊर्ध्वम उदेता अर्वां तमः एता साध्यानाम एव तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता। तो वो जितना जब तक रहेगा उस स्थिति में, जब तक आदित्य उत्तरत उदेता, जब तक सूर्य उत्तर दिशा से उदय हो और दक्षिण में अस्त हो, और उससे भी दुगना ऊर्ध्व उदेता ऊपर की ओर उदय हो, और अर्वांग अस्तम एता नीचे की दिशा में अस्त हो, तब तक
साध्यानाम आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, तब तक वो साध्यों के स्वराज्य में उनके अनुशासन में रहेगा। तो ये इसमें पुस्तक में इनके चित्र भी दिखाई हैं, जो ब्रह्मचारी हैं उनके अलग अलग चित्र दिखाए हैं। वसुमुख, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत और साध्य ऋषि। और आप फिर इसमें पुस्तक में पढ़ लेना, इन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर लिखा भी है, पांचों अमृत के ऊपर और इस कालखंड के ऊपर भी इन्होंने लिखा है कि ऊपर वाले प्रकरण में जो ये सूर्य का कालखंड बताया है, ये अनंतता को दिखाने के लिए ही बताया है कि वो उसका समय अवधि बहुत, मतलब अनंत जैसी ही है, अनंत तो नहीं है पर अनंत जैसी ही है, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो एक बार यदि हिम्मत मार के व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर जावे तो फिर उसका प्रतिफल कितना है, अनंत गुणा है। तो आजकल जैसे वो कृषि का शिविर लगा हुआ है ना, तो स्वामी समझाते हैं ना सुबह, खेती का मतलब क्या है, खेती का मतलब जो खेत में करते हैं वो ही नहीं है खेती। वेद में जो एक मंत्र आया है ना, अक्षयर मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, मनुष्य कृषि सूक्त है एक पूरा ऋग्वेद में, उसका मंत्र है मनुष्य अक्षयर मा दिव्य, अक्ष से मत खेल, जुआ खेलते हैं ना, अक्ष मतलब जुआ, जुआ मत खेल, कृषिमित कृषस्व, कृषि कर। तो जुआ खेलना मतलब क्या है, जुआ में भावना ये होती है कि बिना कमाए अधिक मिल जाए, तभी तो जुआ खेलते हैं लोग, थोड़ी बाजी लगाई और रातों रात बन गए करोड़पति, वो लोग जुआ खेलते हैं, मेहनत ना करनी पड़े प्रतिफल ज्यादा मिल जाए। तो जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते तो हैं नहीं, फिर नकल करते हैं, पर्ची लेके जाते हैं एग्जाम में, तो क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं कि पढ़ाई ना करें, नंबर अच्छे आए, अंक अच्छे चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन तो उसका निषेध किया है। और कृषि मतलब क्या है, कृषि का मतलब है एक बीज बोवो और हजारों बीज पाओ बदले में। तो आपने एक शांति का बीज बोया तो उसका फल कितना मिलना है, हजारों गुणा। तो ऐसे हम अपने जीवन में शांति के बीज बोएं, करुणा के बीज बोएं, सहनशीलता के बीज बोएं, क्षमा के बीज बोएं, पुरुषार्थ के बीज बोएं, ये खेती है, मेहनत का बीज बोएं। तो पढ़ाई तो होगी सो होगी ही, पर जो बीज मेहनत का बो दिया उसके फल भी लगने वाले हैं। ये मेहनत केवल यहाँ फल दे देगी इतना ही नहीं है कि नंबर आ जाएंगे, इतना ही नहीं है, आपकी आत्मा में एक पुरुषार्थ का बीज बोया गया और ये बीज आपको जीवन में हजारों जगह पर हजारों प्रकार का परिणाम देने वाला है। ये है खेती, इसका आदेश दे रहा है वेद, कृषिमित कृषस्व। आप कहते हो एक दिन हवन में नहीं जाएंगे, संध्या में नहीं जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, कौन सा बड़ा हानि हो जाएगी। तो आप हानि और लाभ किसका देख रहे हैं, इस शरीर का देख रहे हैं कि एक दिन में थोड़े रोगी हो जाएगा शरीर, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही शरीर रहेगा। ये ठीक है, शरीर तो वैसा ही रहेगा, शरीर में भी थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, जो आज एनर्जी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको फिर भी आप भरपाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो संस्कार बना दिया, ये तो बीज बो दिया ना आपने, प्रमाद का, आलस्य का एक बीज बो दिया। अब इस बीज के फल कितने आएंगे, जो भी बीज बो दिया उसके फल कितने आएंगे, हजारों गुणा, उसको आप नहीं रोक सकते। आज जो प्रमाद का बीज बोया है, इस ये प्रमाद का बीज आपके जीवन में हजारों जगह प्रमाद करवाएगा, निश्चित रूप से फल आएगा। बीज तो आपने बो दिया, आप स्वतंत्र थे, फल आने में आप स्वतंत्र नहीं है कि मैं अपने जीवन में फल आने ही नहीं दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, आएगा, जो भी बोया है वो आएगा। तो इसलिए पूरे जीवन ही एक कृषि जैसे है, जो जो भी हम सुबह से शाम तक भाव के रूप में, विचार के रूप में, कर्म के रूप में जो बीज बो रहे हैं, तो वो बीज हमें अनंत गुना होकर के मिलने ही वाले हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता है।
इतना जब समझ में आ गया तो फिर कौन बीज बोएगा, और बोएगा तो कैसे बोएगा, अच्छे वाले बोएगा, खराब बीज कौन बोएगा जब अनंत फल मिलना है। तो ये वेद भी समझा रहा है, यही दर्शन भी समझा रहे हैं कर्माशय, तो फिर भी हम सो सो के सुनते हैं। अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नव एव एता न अस्तम न अस्तम एता एकल एव मध्य स्थाता तद एष श्लोक। अब कह रहे हैं इससे ऊंची और कोई स्थिति नहीं है। अभी तक इन्होंने क्या गिनाया, सूर्य यहाँ से उदय हो, इधर अस्त हो, उधर से उदय हो, इधर अस्त हो, ये सब बता दिया। अब कह रहे हैं इसके बाद अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य, इससे ऊपर उठ करके, जब जीवात्मा इतना ऊपर उठ गया तो ये फिर टॉप है इसकी कैपेसिटी के अनुसार, जीवात्मा की जो सामर्थ्य है उसके अनुसार। अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य न उदेता न अस्तम एता, अब इसके लिए सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है, बल्कि एकल एव मध्यस्थाता, एक ही स्थिति रहती है, अकेला सूर्य ही रहता है, फिर कभी भी सूर्य का अभाव नहीं होता है। तो ये योग दर्शन में इसको कौन सी स्थिति बताइए, बताओ, आपने पढ़ लिया, कौन सी स्थिति है ये? नहीं, ये है धर्म मेघ समाधि, पढ़ा ना आपने, ये धर्म मेघ समाधि की स्थिति है, उसमें फिर विवेक है वो एक क्षण के लिए भी नष्ट नहीं होता, बना ही रहता है। उससे पहले की जो स्थितियां, जब जब समाधि की अवस्था में आएगा तब तक वो पूर्ण विवेक की स्थिति में रहेगा, जब समाधि से बाहर आएगा तो वो पूर्ण विवेक से थोड़ा एक स्टेप नीचे आएगा। लेकिन धर्म मेघ समाधि ऐसी है कि अब वो जो पूर्ण विवेक ख्याति है वो उसके जीवन में प्रतिपल बनी रहती है, इसलिए उसको अब इस विवेक ख्याति से भी आसक्ति नहीं रहती है कि मेरी ये विवेक ख्याति बनी रहे, बहुत अत्यंत सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट स्थिति है ना ये, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता कि प्रतिपल कोई विवेक ख्याति की स्थिति में रहे। लेकिन अब इसकी स्थिति यह है कि इसको इससे भी वैराग्य हो गया और फिर उसका भी निरोध करने से सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, वो ये स्थिति है। तो यहां कभी भी सूर्य अस्त होता ही नहीं है, अब तक वर्णन कर रहे थे इधर से उदय हो उधर अस्त हो, आप यहां बैठे हैं तो आपको सूर्योदय भी दिखाई देता है सूर्यास्त भी दिखाई देता है, फिर यहाँ से आप कोई 10-20 मंजिल की ऊंचाई के ऊपर जाएं तो आपको थोड़ा जल्दी उदय हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ का और अपने इधर का अरुणाचल मणिपुर आदि जो पूर्व के हैं ना, ये इन स्टेट में 1 घंटे का अंतर पड़ता है। जैसे आप अपने यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय दिखाई देगा तो वहां 5 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा, इसलिए तो पूर्व बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ऊंचाई पे है। और फिर आप दक्षिण में और उससे ऊंचे जाएंगे तो फिर अस्त होने का भी 1 घंटा बढ़ जाएगा। आप पृथ्वी पे हैं तो जल्दी से आपको अस्त होते हुए दिखाई देगा, आप ऊपर हैं फ्लाइट में हैं तो जब तक नीचे सूर्य अस्त हो गया तब भी आपको सूर्य दिखाई देगा, और उससे भी ऊपर चले गए माने पृथ्वी की जो वो थी रेंज उससे भी ऊपर चले गए तो फिर कभी भी अस्त ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी घूमने के कारण ही तो दिखाई देता है। सूर्य के सामने जो भाग आ गया तो उसके विपरीत भाग में रात हो गई, इस भाग में प्रकाश हो गया, दिन हो गया, और जब इससे भी ऊपर चले गए तो सूर्य तो सदा ही है, सूर्य थोड़े अस्त होता है, यद्यपि सूर्य भी घूम रहा है अपने धुरी के ऊपर तो, लेकिन वो बना हुआ तो हमेशा है ना, अस्तित्व तो हमेशा है सूर्य का, उसका अभाव तो नहीं ना होता। तो ऐसे ही इस योगी के चित्त में कभी भी अभाव नहीं होता है ज्ञान का, प्रकाश का। तो ये अंतिम स्थिति बता रहे हैं, अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य, इससे ऊपर उठ करके, इस साध्य
साध्य कोटि का जो योगी है इसको प्राप्त करके नैव उदेता न अस्तम एता, न सूर्य उगता है न अस्त होता है, एकल एव मध्यस्थाता, बल्कि अकेला माने सदा प्रकाश, सदा प्रकाश की स्थिति, ज्ञान की स्थिति में ही रहते हुए मध्य, मानो कि सूरज, जैसे मध्य में जब सूरज होता है तो छांव कहाँ होती है, पैरों तले होती है, कहीं भी अंधकार दिखाई नहीं देता है ना, तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, अकेला प्रकाश होता है, तो ऐसे कह रहे हैं। मध्यस्थाता तदेश श्लोक, उसके ऊपर ये अगला श्लोक बनाया है। न वही तत्र न निम्लोच न उदियाय कदाचन देवा तेन अहम सत्येन मा विराधीसी ब्रह्मणेति। तो यहाँ प्रार्थना की गई है ब्रह्म से कि हे प्रभो, तत्र न निम्लोच न उदियाय कदाचन, कि वहाँ पर उस स्थिति में पांचवा अमृत पी करके जो स्थिति बनी, उस अमृत को पीने के बाद ना तो कभी सूर्य अस्त होता है ना तो कभी उदय होता है। देवा तेन अहम सत्येन, हे देवो तेन सत्येन, तेन ब्रह्मण सत्येन माम मा विराधीसी, अहम मा विराधीसी, हे देवो तेन ब्रह्मण सत्येन अहम मा विराधीसी, उस ब्रह्म के, उस सदा विराजमान रहने वाले सत्य या प्रकाश से मैं वंचित ना हूँ। अहम मा विराधीसी, मुझे वंचित मत करो, अर्थात वो सत्य सदा सर्वदा मेरे जीवन में बना रहे, वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो सदा बना रहे, उससे मैं दूर ना हूँ। न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृत दिवाह अस्मै भवति य एतद् य एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद। तो कह रहे हैं इस व्यक्ति के लिए, अस्मा मतलब अस्मै, न हवा अस्मै उदेति, इसके लिए ना तो कभी उदय होता है सूर्य और न निम्लोचति, ना कभी अस्त होता है। सकृत दिवाह अस्मै भवति, सकृत मतलब केवल, इसके लिए हमेशा केवल दिन ही रहता है, एक ही स्थिति रहती है। सकृत दिवाह एव अस्मै भवति य एताम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद, जो इस सत्य ब्रह्म को इस रूप में जान लेता है, इस रहस्य में, इस रहस्य को इस रूप में जान लेता है कि हम और भी जीवन में उठें तो कभी भी अंधकार होगा ही नहीं, इसको जो जान लेता है तो वो फिर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। तदह एतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर मनवे मनुः प्रजाभ्यः तदह एतत् उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्मा प्रोवाच। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान था, पहले पांच अमृत बताए ब्रह्मांड में और फिर पांच बता दिए उनका प्रतिफल जीवन में, पिंड में। तदह एतद् ब्रह्मा, तो ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापतये उवाच, प्रजापति को दिया ये ज्ञान, और प्रजापतिर मनवे, प्रजापति ने मनु को दिया, मनु हूँ प्रजाभ्य, फिर मनु ने इन सब प्रजाओं को दिया वो ज्ञान, और इन प्रजाओं में चलते चलते फिर तदह एतत् उद्यालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय, फिर आरुणी, अरुण नाम के ऋषि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्यालक आरुणी के लिए, उद्यालकाय आरुणाय आरुणेय, उद्यालक आरुणी के लिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए अरुण ऋषि ने दिया, पुत्राय ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रोवाच।